सरकार भारत के बिगड़ते पर्यावरण को लेकर परेशान नजर आ रही है। वहीं अब भारत की बेटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर देश के पर्यावरण पर काम करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मनसंज्ञानी नाम की छात्रा बागपत बड़ौद के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली है। महज 12 वर्षीय मनसंज्ञानी हरियाणा के सोनीपत DPS में 8वीं क्लास की छात्रा है, जो बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगाव रखती है। तो मेरे मम्मी पापा जैसे मुझे हमें ट्रैकिंग ले जाते थे, तो मैंने पर्यावरण को बहुत करीब से देखा, उसके बारे में समझा और जानकारी लेने के लिए मैंने जो ये लोग होते हैं जो पहले से ही पर्यावरण के बारे में बहुत जानते और एक्सपीरियंस्ड है, जैसे अन्ना हजारे जी, उन्होंने मुझे वाटर मैनेजमेंट और कैसे गाँव को बदला जाता है वो मुझे सिखाया। और जो राजेंद्र सिंह जी है, जो वाटर मैन ऑफ इंडिया है, अलवर में रहते हैं, उन्होंने मुझे पूरा बताया कि एक रिवर को कैसे रिवाइव किया जाता है। और अब जब हम इतने अच्छे जगह से सिटीज़ में आ गए हैं, तो मैंने करीब से ये भी देखा कि कैसे जो इंसान है वो पर्यावरण को ख़राब करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जो ये हिंडन नदी है, ये 20 साल पहले इतनी सुंदर और साफ थी, लेकिन अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। अगर सांप और चिड़िया इस पर घुस भी जाते हैं तो वो मर के बाहर निकलते, इसकी इतनी गंदी हालत हो गई है। जो पास के जो गाँव में लोग रहते वो भी बहुत कैंसर बीमारियाँ उनको होने लग गई हैं। आपको बता दें कि भारत की सबसे कम उम्र की छात्रा है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए शोध किया है, बल्कि अच्छे नंबर लाकर देश का नाम भी रोशन किया है। छात्रा अब तक भारत के बिगड़ते पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए काम करने का फैसला कर चुकी है। आपको ये भी बता दें कि छात्रा पर्वतारोहण के 2 रिकॉर्ड के साथ ही कालाना की 1000 फीट की चोटी पर तिरंगा लहराने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा का रिकॉर्ड भी बना चुकी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला।